बड़ी खबर, जहां एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन देने के संकेत दे दिया है। तो एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान सामने आया है और कहा है कि शिवसेना स्टैंड साफ करे तो बात आगे बढ़ सकती है। तो शिवसेना ने 5 साल अपमान झेला है और शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हो सकता है, इसके संकेत एनसीपी के एक नेता के जरिए दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले संजय राउत की बात शरद पवार से हुई थी और उस बीच संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार से क्या कुछ बातचीत हुई है इसका जिक्र वो अभी नहीं करेंगे, वक्त आने पर करेंगे। लेकिन जिस तरह से एनसीपी के एक नेता नवाब मलिक का बयान यहां पर सामने आया है, उससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं समर्थन देने को लेकर जो कवायदे हैं एनसीपी की तरफ से शिवसेना को, वो होती हुई दिखाई दे रही है। 5 साल जिस तरह से शिवसेना ने अपमान झेला है, अब शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हो सकता है, ये कहना है एनसीपी के एक नेता का। तो एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन देने के संकेत यहां पर दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ संजय राउत हवा दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास विकल्प है और उनके पास रास्ता है सरकार बनाने को लेकर, तो क्या ये वही रास्ता है जिसको लेकर एनसीपी नेता का बयान सामने आया है।